अभी ताली अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी ताली अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शिक्षा के एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। शिक्षा के एकता जिंदाबाद, शिक्षा के एकता जिंदाबाद। ऐसे ऑफिस आए हैं, क्या वजह है सर? एक तो यही है अपना जो बोल दिया लोग सर ने, और सर ये है हम 13 लोगों के उन्होंने बहाली पत्र रोक दिए हैं, जिनमें कि हम इन्होंने कहा है बाली अपने अभिलेख लेके, जो अभिलेख हमारे पास है ही नहीं, हम कहा हमने थाने में जमा कर दिए। इन्हीं के आदेश अनुसार थाने वाले ले आए, हम तो थे ही नहीं उसमें, इंचार्ज ने दिए हमारे ने, हम तो निलंबित थे उसमें। उसका हम पर क्या कहते हैं, उनकी रिसीविंग भी है थाने की उस, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको हमको रोक दिया है कि तुम्हारे पास वो नहीं है। लेकिन हम थाने में जाके और फिर वो थाने वाले कोर्ट में भी जाके पता कर आए, बाबा जब से छुट्टियाँ हमें हुई है तब से बाबा चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी वो यहाँ पे है ही नहीं है, तो हम कहाँ से लाए अभी चेक कराने के लिए। और सर एक बात और सुनिए मेरी, इसमें भी ऐसा हुआ है जिन पे अभिलेख है ही नहीं है, जिन पे रिसीविंग भी नहीं है, उनको बहाल कर दिया। ये धांधली चली है यहाँ पे। उसका काम क्या मदद आ रही है इस समय अध्ययन कराने में? अध्ययन कराने मतलब शिक्षक कार्य कराने में कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो सब कुछ नहीं है, परेशानी जो है ना तो हमारे इंक्रीमेंट लगते हैं, ना हमको सरकारी इलाज सबसे वंचित है, ना शादी का होता उससे वो वंचित है। हम आपके द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसको अमल में नहीं लाया जाता है अधिकारियों के द्वारा, तो आपकी आगे की जो रणनीति है वो क्या रहेगी? सर जो वो तो ये सब लोग कर ही रहे हैं, हमारे हमसे जो धरना प्रदर्शन होगा सर, बीएसए की मनमानी चल रही है सर, बिल्कुल चल रही है सर। उसमें भी सर ऐसा हुआ है जिनके अभिलेख है ही नहीं उनको बहाल कर दिया है, ये भी धांधली चली है। हमारे पास रिसीविंग है, हमको जिन पर रिसीविंग भी नहीं उनको बहाल कर दिया है। तो मानते हैं कि पैसे का मोटा खेल हुआ है? अब ये तो पता नहीं सर हुआ है नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर हुआ है कि उन लोगों को बहाल कर दिया है। देखिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के सर्वविदित फर्जी शिक्षक भर्ती 2016 प्रकरण है, जिसमें जनपद स्तर के अधिकारियों और तमाम खंड शिक्षा अधिकारियों और बेसिक शिक्षा मथुरा कार्यालय से पटेल बाबू द्वारा जो है रैकेट बनाया गया और फर्जी शिक्षक नियुक्त करके नियुक्ति आदेश पत्र बीएसए ऑफिस से जारी करके विभिन्न विद्यालयों में भेजे गए, 86 विद्यालयों में। जब वो भंडाफोड़ हुआ आप सबके चैनलों के और मीडिया के माध्यम से, तो उसमें डायरेक्टर और वित्त नियंत्रक आदि के माध्यम से 22 जून 2018 में एक जांच कमेटी जहाँ मथुरा में आई 20-22 जून को, और उसने अपना निर्णय दिया हमको प्रथम दृष्टया। हम इंचार्ज हेडमास्टर हैं सभी, जो स्कूलों में एक एक दो दो की संख्या में ही रहते हैं, तो वो नया टीचर जो फर्जी आया था वो नियुक्ति पत्र लेके आया था, और खंड शिक्षा अधिकारी ने हमको आदेशित किया कि इसको विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था हेतु कार्यभार ग्रहण ज्वाइन करा दिया जाए, तो हमने ज्वाइन करा दिया। इन्होंने हमको निलंबित कर दिया, हम लोग निलंबित हो गए बिना किसी कसूर के। 8 महीने की लड़ाई के बाद हम जो है आठ मार्च 2019 को अनंतिम बहाल बीएसए ने एक चाल खेल दी और अनंतिम बहाल कर दिया, आमरण अनशन किया था, आप सब जानते हैं, मैं पूरा मथुरा जनपद जानता है। अब उसके बाद हम 3 साल शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ते हुए, बीएसए ऑफिस से लड़ाई लड़ते हुए, और तो हमने लड़ाई कहीं नहीं लड़ी। 4 एजेंसियाँ इसमें जाँच कर रही हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ मथुरा, एसआईटी मथुरा और क्राइम ब्रांच मथुरा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के अंडर में काम कर रही है, उनको हमको कहीं दोषी किसी प्रकार नहीं माना है, और जिनको माना है उनके खिलाफ़ में FIR करी है, जेल भेजे, और आज भी मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है और सब जेल चले गए हैं और उसमें तमाम लोग उसमें पकड़े गए हैं। बीएसए साहब से आप मिले हैं क्या, आश्वासन मिला है? देखिए उस समय संजीव कुमार सिंह बीएसए थे जब ये भर्ती हुई, उसके बाद 3 बीएसए बदल गए और ये नए बीएसए आए जो कुछ 4-6 महीने पहले मथुरा में कार्यभार ग्रहण किया इन्होंने अगस्त सितंबर में, इनसे हम कई दफ़ा मिले, तो इन्होंने हमको बहाल किया, लेकिन उसमें हमको सबको प्रतिकूल प्रविष्टि दंडित करते हुए बहाल किया है, जबकि हमारे पास मुख्यमंत्री कार्यालय का शासनादेश भी है कि हमारे विरुद्ध प्रचलित किसी प्रकार भी जो कार्रवाई चल रही है उसको समाप्त करते हुए दंडित को, और इनको पूर्ण बहाल किया जाए। हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने हमारे लेटर जारी आदेश पत्र जारी कर दिए हैं बहाली के, उन पर पुनर्विचार किया जाए और सबको निर्दोष करार देते हुए सवेतन सपद सभी को बहाल किया जाए। 86 अध्यापक इसके भाई साहब, हम 86 अध्यापक इसमें हैं जो अभी ड्यूटी से अनवरत अलग चल रहे हैं। नहीं ड्यूटी तो कर रहे हैं लेकिन हमारे अधिकार सीज हैं, जैसे हमको पूर्ण वेतन नहीं मिल पा रहा है, हमको विद्यालय का कार्यभार नहीं मिल पा रहा है, जो हमारी
सामाजिक जो है वो ठीक नहीं है ना, छवि खराब हो रही है क्या खामा खाम को, और हमारा दोष है नहीं। प्रत्यावेदन सर हमने आप उस दिन थे जब दे दिया था तत्काल, उसी समय बी एस साहब छुट्टी चले गए और सोमवार से हम लोग लगातार मिल रहे हैं बी एस साहब को, लेकिन हमारे उस प्रत्यावेदन पर अभी तक कोई विचार नहीं के किसी प्रकार का किया जा रहा है। अब अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो क्या करेंगे? हाँ, अगर जो हमारी नहीं मानी जाती है आगे वो 786 में हमारे मध्य में एक बात और रख दें कि 13 व्यक्तियों के आदेश रोक लिए गए हैं बहाली के, क्योंकि उनका रजिस्टर जो मूल विद्यालय के रजिस्टर होते हैं वो जो है कोर्ट में और थाने में जमा है, तो बी एस साहब ने ये कह के रोक लिया कि जब वो वहाँ से आ जाएंगे तो उनको जांच करके फिर देखें, जबकि जांच का उसमें मना कर दिया, शासन ने मना किया कि जांच करनी नहीं है इसमें। आगे क्या कदम है आपका? आपका हमारा कदम ये है कि हम इसमें बी एस साहब पुनर्विचार करते हैं तो करते हैं, इनको समय सीमा बाध्य करते हुए और यहाँ पर हम भूखर्ता आमरण अनशन करेंगे और अनंतिम फिर आमरण अनशन पर जाएंगे, चाहे हमारा जीवन रहे या ना रहे।